नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चावल सिंह फ्रॉम राजस्थान नियर जयपुर। मैं आज आपको लिवर क्लींजिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं इस लिवर क्लींजिंग के कंटेक्ट में क्यों आया, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं। एक्चुअल में मेरे गॉल ब्लैडर में 13 mm का स्टोन था, जिसकी वजह से मैंने पहले जो है NDS ज्वाइन किया, और NDS से ज्वाइन करने के बाद में जो उसका प्रोसेस है उसकी वजह से कुछ चीजें मेरी बॉडी में ठीक हुई और वेट भी लॉस हुआ, जो 70 kg से मैं 58 kg पे आ गया। उसके बाद जब मैंने सोनोग्राफी लिया तो स्टोन की साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो मैं डॉक्टर अनुराधा मैडम, उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा और उनके मार्गदर्शन में मैंने लिवर क्लींजिंग किया। लिवर क्लींजिंग करने से पहले मेरे गॉल ब्लैडर का जो साइज था वो 16 सेंटीमीटर फैटी लीवर था, ग्रेड 1 में था। उसके बाद मैंने 2 बार लीवर क्लींजिंग किया और उसके बाद पुनः मैंने सोनोग्राफी लिया, जो 15 जुलाई को मैंने सोनोग्राफी कराया। उसमें मेरे लीवर का जो साइज है वो 12.1 सेंटीमीटर बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ गया। इसके लिए मैंने 2 बार लीवर क्लींजिंग किया। इसके पीछे आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब भी आप लीवर क्लींजिंग करें तो ये निश्चित कर लें कि आपका स्टमक, आपके पेट बिल्कुल साफ रहे, पेट में गैस नहीं होनी चाहिए और आपका मोशन क्लियर हो। और जब लीवर क्लींजिंग करें तो उसके पहले आपका पेट खाली होना चाहिए ताकि लीवर फंक्शन जो है बहुत अच्छी तरह से हो। इसके बाद में कुछ चीजें जो मेरी बॉडी में और ठीक हुई, जैसे मेरा प्रोस्टेट जो था वो पहले 31 ग्राम था, जो उसके बाद में नॉर्मल साइज में 19.1 साइज में आ गया। 2 लीवर क्लीनिंग और प्रोस्टेट, उसके साथ में घुटनों में थोड़ा सा जो दर्द था वो भी मेरा लीवर क्लीनिंग से ठीक हुआ। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लीवर से संबंधित जो भी चीजें हैं बॉडी में और भी जो प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले लीवर क्लीनिंग करें और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीवर क्लीनिंग का जो आइटम उसमें क्या है, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, इप्सम साल्ट है, ये जो है ऑलरेडी अपना इलाज अपने हाथ जो ग्रुप है उसके अंदर दिया हुआ है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव वाले लोग, डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे आपको जो उसकी मदद मिलेगी। तो आप लीवर क्लींजिंग पे ध्यान दें। धन्यवाद। नमस्ते।